वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कर रहे थे, जिसमें हमने पहला देख लिया है और अब हम देखते हैं सेकंड जो प्रिंसिपल है उसको, वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने बोला है कि जो अथॉरिटी है, जो पावर आप किसी को दे रहे हो उसके और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई पर्सन है उसको आप कुछ पावर दे रहे हो तो उस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है आपको। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी पर्सन को बहुत सारी अथॉरिटी दिए जा रहे हैं लेकिन वो आंसरेबल है ही नहीं किसी काम के लिए। तब क्या होगा, तब आपका जो बिजनेस है वो अल्टीमेटली बंद हो जाएगा या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फंक्शनिंग ख़राब हो सकती है, अगर आपने इसके बीच में बैलेंस नहीं दिया तो। ठीक है, तो अगर आप किसी को पावर दे रहे हो तो साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दो। अब जैसे सपोज करो कि अगर एक टीचर है, उसको सारी पावर दे दी आपने, ठीक है, उसको पावर है कि वो किसी बच्चे को खूब जितना मन चाहे उतना मार सकती है, किसी को कोई भी ऑर्डर दे सकती है, आपने सब जितनी पावर थी दुनिया की सारी पावर्स उस टीचर को दे दी है, ठीक है। अब वो टीचर क्या करेगा, लेकिन उसको आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं है। अब वो टीचर क्या करेगा, कोई भी बच्चा है उसको बहुत जितना मन, अगर उसके घर पर भी लड़ाई हुई है तो भी उस बच्चे को पीट सकता है, ठीक है, उसका कोई काम घर का है वो भी उस बच्चे से करा सकता है, वो अपना काम भी बच्चे से करा रहा है क्योंकि उसको किसी के लिए आंसर देना ही नहीं है। इसीलिए क्या होगा, बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एक टीचर को बहुत सारी पावर दी थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है नहीं। इसीलिए क्या होता है, अब एक टीचर है उसको कुछ पावर दी है कि वो बच्चे को डांट सकता है, ठीक है, कुछ पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन साथ में उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि उसको बच्चे को पढ़ाना भी है, बच्चे को समझ में आना भी चाहिए, बच्चे की वेलबींग का भी उसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि कोई बच्चा बिल्कुल इतना मार दिया कि वो मर ही गया, ऐसा नहीं करना है। बच्चे के वेलबींग, उसकी हेल्थ, उसकी सेफ्टी, इसका भी ख्याल टीचर को रखना पड़ता है। तो हमने क्या करा है कि अथॉरिटी दी है लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर के ही हाथ में होती है। कोई बच्चा है उसको हेल्दी है, उसको हेल्दी रहना है, उसका उसको वो सेफ है कि नहीं है क्लास में, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सारे काम भी टीचर के ही हैं। तो ये हमने इस एग्जाम्पल से देखा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने किसी को बहुत ज़्यादा ही पावर्स दे दी हैं तो क्या होगा, रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। वो पर्सन सोचेगा कि मुझे अब किसी को कोई आंसर तो देना नहीं है, अब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही हूँ, तो क्या करेगा, वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लगेगा, ठीक है। वहीं पर अगर बात की जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किसी को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो लेकिन कोई पावर है ही नहीं तो वो उस काम को कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब किसी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है बहुत सारी, आपने क्या करा, एक आपका मान लो कि आपकी क्लास में मॉनिटर है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि उसको क्लास को मेंटेन रखना है, क्लास में साइलेंस मेंटेन रखना है, डेकोरम उसका मेंटेन रखना है, कोई बाहर ना जाए क्लास से, इधर उधर ना घूमे, बच्चे खेलें ना कूदें ना, ये सारे काम उसको दे दिए, ठीक है। लेकिन उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं लेकिन पावर कुछ नहीं दी है, वो कुछ किसी से कुछ कह ही नहीं सकता है, वो टीचर को रिपोर्ट कर ही नहीं सकता है, तो क्या वो कुछ कर पाएगा, वो अपना काम कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो कैसे करेगा, किसी से कुछ कह सकता ही नहीं है, जिसका जो मर्जी होगा वो करेगा, राइट। इसीलिए क्या करना है, हमें अगर किसी को पावर देनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो पावर भी देनी है, ठीक है। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, यही ये प्रिंसिपल बोल रहा है। अभी क्यों बनाया फ्यूल ने, इसका कुछ फ़ायदा भी होता है, तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, वो क्या हैं, कि पहला फ़ायदा बोल रहा है कि अथॉरिटी का कोई भी मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर अथॉरिटी है, पावर है, तो उसको कुछ आंसरेबिलिटी भी है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर उसने अपनी पावर यूज़ करी है तो उसको कहीं ना कहीं उसका कोई सुपीरियर भी होगा जो उससे क्वेश्चन पूछेगा, उसको आंसर्स देने पड़ेंगे। इसीलिए क्या कर सकता है, वो अपनी पावर का, जिस काम के लिए उसको वो पावर मिली है वो उसी का यूज़ करेगा, मिसयूज़ नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन टाइम। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, अगर आपने उसको पावर दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तब वो टाइम पर विदाउट एनी डिले, कोई देरी किए बिना पूरा कर सकता है, क्योंकि उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको पूरा करने के लिए उसके पास पावर भी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव इफेक्ट हैं इसके। अब अगर आपने ये प्रिंसिपल को नहीं माना तो इससे आपको क्या क्या इसके रिजल्ट्स होंगे, इसके क्या क्या नुकसान हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, आपकी बिजनेस को फेस करने पड़ेंगे। तो पहला क्या है कि आपका जो वर्क है वो या तो पूरा होगा नहीं, और पूरा होगा तो क्या होगा, देरी से होगा, अगर आपने किसी को पावर नहीं दी है तो।
अगर आपने किसी को बहुत पावर दे दी है तो वो क्या करेगा, उस पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने क्या करा है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दे दी है, पावर नहीं दी है, तो वो काम के बर्डन के नीचे ही दब जाएगा, वो पर्सन कुछ कर ही नहीं सकता है, वो काम पूरा कर ही नहीं सकता है। मॉनिटर वाला एग्जाम्पल अभी हमने देखा है। तो गाइस, हमने यहाँ पर क्या देखा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादा अथॉरिटी है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो नेगेटिव रिजल्ट होगा, अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं है तो काम पूरा नहीं होगा, ये हमने यहाँ पर देखा है। और इसी के साथ में ये वाला प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।